अबे ये किसका मैसेज आया है? भाई मैं तेरे लिए एक चैलेंज लेके आया हूँ। तुझे BR रैंक में टॉप 5 तक जाना है और तेरे पास 1-2 अटेम्प्ट्स है। चैलेंज एक्सेप्टेड। तो यो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर तुमने जैसे कि देख ही लिया है, चैलेंज मिला है वो भी किससे, अपने उस वाले दोस्त से जिसने पिछली बार हमें नींद से जगाया था। तो फाइनली एक चैलेंज आया है और अब पहुंचा बहुत दिनों बाद बनाने फ्री फायर पर वीडियो। तो अभी फिलहाल कर लिया हमने गेम बिल्कुल स्टार्ट और यस आज की इस वीडियो में मज़ा तो बहुत आने वाला है। और BR रैंक भी हम करीब करीब एक महीने बाद BR रैंक के अंदर जाएंगे तो वो भी अलग मज़ा होगा। बाकी हमने BR रैंक लगा लिया। ऑटो मैच को मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि सोलो वर्सेस डुओ में भी करना है, ठीक है? ये उसने बोला था, ये हम अपने आप से ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो सोलो वर्सेस डुओ में कर लेंगे आज हम। टॉप 5 तक जाने को कहा उसने, चलो हम तो बुइया निकालने के ट्राई रखेंगे पूरा। और ऑटो मैच अब मैं ऑफ कर देता हूँ। ऑटो मैच कहाँ से ऑफ होता था? एक तो नए अपडेट्स आ रहे हैं और ये रहा, चलो मिल गया, ऑटो मैच कर दिया है इसी के साथ ऑफ। और नोटिफिकेशन हटाते हैं जल्दी से, अब करते हैं मैच को स्टार्ट। यो गाइस देखते हैं क्या होता है यार, मैप बस अच्छा सा आ जाए, नेक्स्ट आता है ना तो मुश्किल हो जाता है जीतना। बाकी अभी गेम मैच मेकिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। Why the match is not making? हो जा भाई स्टार्ट, चलो लेट्स वेट। एक बार हटा के दोबारा स्टार्ट लगा के देखता हूँ, एक मिनट बस। भाई नहीं हो रहा यार, 40 काउंटडाउन हो चुका है, अभी तक नहीं हो रहा है। चलो इसको एक बार कैंसिल करें, चलो कैंसिल करके एक बार दोबारा स्टार्ट करा है, देखते हैं अब स्टार्ट होता है या नहीं। भाई हो जा स्टार्ट, 7-8 हो चुकी है, अभी तक भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओके यार अभी तक भी स्टार्ट नहीं हो रहा। इमोट क्या दिखाऊँ मैं तुम्हें अब। चलो हो गया फाइनली गेम हो चुका है स्टार्ट, सोलो वर्सेस डुओ के अंदर पहला BR रैंक मैच। ओके ऑग आ चुकी है, बंदे काफ़ी ढंके लग रहे हैं, बाकी देखना ही है कि टॉप 5 क्या हम सोलो वर्सेस डुओ के अंदर कर पाते हैं या नहीं, वो तो बात की बात है। बाकी पहले इससे बाहर निकलते हैं, प्लेन से कह रहा हूँ मैं, इस वाले जगह से। तो काउंट डाउन जल्दी से ख़त्म होता है, फिर आपको मिलते हैं हम। हो जाते हैं 4-3-2-1-0, चलो ख़त्म। आ चुका है इसी के साथ प्लेन, और कहाँ उतरा जाए। नेक्स्ट मैप तो ज़्यादा खेला भी नहीं है तो जगह पता भी नहीं है, तो जहाँ मतलब ठीक लगेगा, ज़्यादा बंदे नहीं होंगे वहीं उतरेंगे, ठीक है? तो अभी सोलोवर से डुओ मैंने इस वजह से। कहाँ जाएँ? उस जगह पे बीच में उतरते हैं जहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से कोई होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा साइड एरिया है, वहीं चलते हैं। वहाँ पे 4-5 घर भी हैं तो क्या पता अच्छी गन्स भी मिल जाए, जल्दी से चलते हैं अब। हाँ यहीं पे उतरते हैं बस। स्टे अलर्ट कौन बोला हमारे साथ, तो कोई है भी नहीं। अच्छा हमने अपने आप को ही बोल दिया, बहुत बढ़िया। चलो यार मैंने पैराशूट की सीन भी नहीं लगा रखी, बताओ डाउनलोड ही नहीं है ना उसकी लगा रखी थी सब बोर्ड। और पहली गन नहीं मिली हमें, गन नहीं मिली है, साथ ले लिया है नहीं भाई, गन नहीं मिली, सब कुछ मिल गया गन नहीं मिली, 4x स्कोप तक मिल गया पर गन नहीं मिली। ओके गन भी है शायद यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया गन, पिस्टल दे रहे हैं वो भी डबल वाली, कौन सी है भाई, नाम याद नहीं मुझे इसका, कमेंट में बता देना नाम क्या है इसका। बाकी इस वाले घर में देखते क्या है। ओके मिनी यूजी भाई, सारी पिस्टल ही रख लो तुम, मतलब पिस्टल मतलब जो भी है ये पिस्टल ही होगी वैसे तो, पर कोई नहीं चलो ऊपर देखते हैं कोई गन मिल जाए बढ़िया सी। नहीं है यहाँ पर भी गन तो है ही नहीं ऊपर। और ओके यहाँ पे कौन सी UMP मिल चुकी है, UMP भी काफ़ी अच्छी चलेगी। बाकी टॉप 5 तक जाना है और अभी चल रहा है 31 है टॉप, अभी तो टॉप 40 में ही है, ठीक है? तो जल्दी से, प्लेन की भी आवाज़ आ गई है। और यहाँ पे कौन सा बैकपैक पड़ा है, बैकपैक तो है हमारे पास ऑलरेडी।
और अंदर चलकर नहीं है, नहीं है, यहाँ पर भी शायद है गन है क्या यहाँ पे? नहीं गन नहीं है, बैकपैक पड़ा छोटा वाला, उसकी तो ज़रूरत भी नहीं है। बाकी दूसरे ये वाला घर मैंने शायद लूट लिया है। हाँ तो ओके, इसे भागते हैं तेज, चलो अपनी स्पीड बढ़ेगी अब। और यहाँ पे अभी हमें मिल चुकी है स्कार, स्कार ज़्यादा अच्छे से चलाते तो नहीं है बट कोई नहीं, स्कार से काम चल जाएगा। और ऊपर चल के कौन सी गन है यहाँ देख लेते हैं। ओके SKS मिल चुकी है, SKS ले लेते हैं, SKS स्कार से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलाते हैं हम। बाकी बाकी अब गन में स्कार वो SKS निकाल दी थी गलती से, वो पता नहीं कौन सी ले ली थी। चलो SKS भी आ चुकी है अब। ओके चलो उस साइड चलते हैं, वहाँ पे शायद बंदे भी हों थोड़े बहुत, तो मुझे लगा वहाँ पे कोई था, बाकी है तो नहीं। ओके गाइस तो अभी यहाँ पे जाके देखते हैं ऊपर क्या है। अभी तक तो गन थोड़ी बहुत ढंग की है, इनसे फाइट हो सकती है, बढ़िया फाइट हो सकती है। और जो जो चैनल पे नया जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब। और अरे नेटवर्क इशू के चक्कर में हम ऊपर गए तो थे बट आ गए दोबारा से नीचे। बट अभी कौन सी गन P90 है शायद, हाँ P90 नहीं चाहिए, बिल्कुल बकवास। मतलब कई लोग अच्छी चलाते भी हैं और गन भी अच्छी है बट मुझे बकवास लगती है। तो बाकी अभी ये चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट ईयर मैं बिल्कुल नहीं जानता मैं कहाँ कहाँ जाना है और कौन सी जगह है यहाँ पे। बाकी ब्लू जोन की तरफ जा रहे हैं और ब्लू जोन में डेफिनेटली यहाँ पे बंदे होंगे बहुत सारे। और अभी आ चुके हैं टॉप 30 के अंदर और सामने बंदा भाई फाइट चलती थी थर्ड पार्टी करके ख़त्म बंदा, चार गोली कुल लगी UMP की। और भी बंदे हैं यहाँ पे तो देखते हैं भाई क्या मारा है, सच में किल चोरी करा बहुत ही बढ़िया वाला। Head there. भाई ये क्या हो गया, मेरा कैमरा क्या हो गया पता नहीं यार क्या हो रहा है, दो मिनट रुकना यार ठीक करता हूँ। Head there. बाकी देखते हैं क्या हम मार पाएंगे इन बंदों को। चलिए बोला 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 मार हैं लगी बच गया, लेकिन पीछे की साइड से आते हैं दो दो है ना, एक तो ये प्रॉब्लम है, दो दो बंदे मुझे मार सकते हैं इजीली। तो क्या हम मार पाएंगे भाई, ये पुल कैसे बनाया हुआ है भाई, स्ट्रक्चर कैसा है। चलो इधर से देखते हैं एक बार, ओके गाइस तो चल रहे हैं इधर की साइड। अभी हमने यहीं पे बंदों को काफ़ी वो दिया डैमेज, क्या हम मार पाते हैं इस बंदे को। चलिए पहले तो नेट कर देते हैं, ऊपर की साइड कर रहा है, कुछ गिर रहा है नीचे की साइड बट ब्लू वो लट रही है। बच गया यार, बहुत ही ज़्यादा मैंने तेज़ी से फायरिंग करी थी बट बच गया। कोई नहीं भाग रहा है, हम पीछा करेंगे कोई नहीं, छोड़ने का नहीं हूँ मैं इतनी साइड से। और यहाँ पे और भी काफ़ी बंदे हैं तो बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। यार कहाँ भाग गया अभी, बंदे फाइट ले ले यार, तू इतना क्यों डर रहा। भाग गया, बोला बोला सही सोच रहा था मैं, इधर ही गया टीम वाइप हो चुका, मतलब ये लास्ट बंदा था इस टीम का। तो लूटे थे काफ़ी अच्छी लूट करके बैठा हुआ है बट कोई नहीं, बढ़िया जीते तो हमें लूट से क्या होता है। ओ ओ ओ भाई बच गए, ओके गाइस तो लगा ली ग्लू वॉल, बच गया। यार पीछे से गाड़ी वाला भी आ रहा है कोई, यार गाड़ी वाले से दिक्कत है, बहुत ही तेज साउंड हो चुकी है गाड़ी की थी अभी। ओ आ गया, आ गया ग्लू वॉल लगा, ओके कहाँ है भाई, ये रहा लग जा, बच गया फिर से। चलो इस साइड से जाते हैं, आगे से जाऊंगा यार उसकी बार ग्लू वॉल पे। चलो आगे से चलते हैं, क्या मार देंगे, मेरा स्कोप खुल गया है यार, शिट। तो जैसे कि तुमने देखा हम टॉप
यस टॉप 10 तक चले गए। टॉप 10 तक भी बहुत बड़ी बात है यार, चले गए कोई नहीं। यहाँ से वैसे मैंने मैच मेकिंग करी है, या फिर हम चल के वापस करते हैं मैच मेकिंग। दो अटेम्प्ट थे, पहला अटेम्प्ट हमने कर लिया, हम टॉप 10 तक आ चुके हैं। तो क्या वैसे तो प्लेटिनम 1 पे आ गए हम गोल्ड 4 से, ये खुशी की बात है। तो इसे हटाओ पहले। अब दूसरा जो अटेम्प्ट है, क्या हम उसके अंदर टॉप 5 के अंदर जाने को कहा था ना उसने, तो चाहे बुआ ना हो बट टॉप 5 में इस बार जा के रहूँगा यार, पूरी जान लगा दूंगा। तो चलते हैं एक बार एक और मैच, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अभी हम स्टार्ट करें एक और मैच भाई। वैसे यार काफ़ी हार्ड है चैलेंज, क्योंकि सोलो वर्सेस डुओ में खेल रहा हूँ मैं। अगर सोलो में खेलो तब तो कुछ, तो सोलो में खेलो तो कुछ बात भी हो, बट सोलो वर्सेस डुओ में थोड़ा सा हार्ड है। कोई नहीं, टॉप 5 में भाई पूरी ट्राई करेंगे जाने की। पिछली बार टॉप 10 तक गए हैं, बुआ भी ट्राई करेंगे करने की। फ्री फायर और अब गोलियां चालू होने वाली हैं। मतलब गोलियां, कोई गोली मार नहीं मेरा, मैं ही मार रहा हूँ अकेला। और बाकी बढ़िया सिस्टम चल रहा है, और शायद इस बार हम बढ़िया खेलें। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा सा ग्लू वॉल वाला आइकन ठीक कर लेते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी लैग हो गए थे, थोड़ी सी स्क्रीन लैग हो गई, तो इस वजह से मैं मर गया था और स्कोप खुल गया था। स्कोप वाला भी थोड़ा सा ठीक करूँगा बाद में। बाकी अभी तो मैच स्टार्ट होने का टाइम है, तो मैच पर फोकस करते हैं। 3, 2, 1 ओके, अब आ चुके हैं। तो 12 से एक बार प्लेन में, और नेक्स्ट मैच है ये हमारा, नेक्स्ट तेरा ही मैप आया है। तो कोशिश करूँगा वहीं उतरूँ, क्योंकि मैं लास्ट तक टिका था टॉप 10 तक, तो इस बार भी वहीं उतरने की ट्राई करते हैं, या फिर किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे ज़्यादा वो ना उतरे एनिमीज, क्योंकि दो दो मिल गया मुझे इजीली मार सकते हैं। बट कोई नहीं, थोड़ा सा कैमरा घूम गया मेरा, कोई नहीं। चलो लैंड कर चुके हैं, और मैप में मैं क्या उसी जगह पे जा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा मैं किसी और ही जगह पर आ गया हूँ, पीछे थी वो जगह। तो चलो कोई नहीं, ये भी लेकिन काफ़ी वैसे ही सी जगह लग रही है, तो यहीं पे लैंड कर जाते हैं, कोई बात नहीं। ओके स्टे अलर्ट, तो यहाँ पे मतलब बंदे तो हैं। स्टे अलर्ट ही अपने आप के बोलता है अपना कैरेक्टर, ना हमने कहा इसे बोलने को। चलो हो चुके फाइनली लैंड, अब यहाँ पे गन ढूंढते सबसे पहले, वो तो भाई मेन काम है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और गन कौन सी मिली मेरे को, ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती गन, VSS जैसी दिखने वाली स्नाइपर, बाकी VSS ज़्यादा अच्छी है इससे तो। और अब देखते गन कौन सी मिलेगी, नहीं मिली गई गन। ओके यहाँ पे मिली है बिजन, बट बिजन का कोई काम नहीं है, हम बिजन चलाते ही नहीं हैं, बट कुछ तो मदद करेंगी ये दोनों गन्स हमारे मैच को सफल बनाने। और टॉप 5 वाले चैलेंज को एक्सेप्ट तो हमने कर लिया, बट क्या हम इसे पूरा कर पाएंगे। और बंदे की फायरिंग चालू हो गई है उस साइड, ये रहा ये रहा ये रहा। ओके ओके, अरे एक हेड गया डाउन, नेटवर्क की वजह से ना वो हो गया। ओके तो फिलहाल बंदे की एक और की फुटस्टेप आ चुकी है, आपने एक तो मार दिया, क्या हम दूसरा भी मार पाएंगे, तो देखते हैं। चलो चलो किधर है, जिप लाइन है क्या, जिप लाइन पकड़ के चले यहाँ से, ये फालतू में पंगों में फंसने के भाई, टॉप 5 वाला चैलेंज पूरा करना है हमें। चलो जिप लाइन से चलते हैं, और पहुँच चुके हैं इस साइड पे, यहाँ पे मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप लूटते हैं पहले, क्योंकि गन ज़्यादा अच्छी है नहीं, और इस इन गन के साथ टॉप 5 तक जाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। बाकी गन मिल गई है पैराफेरल, जो कि जो ले जा सकती है हमें टॉप 5 तक, बाकी इससे और भी अच्छी गन्स हैं। और हमें मिल गई M14, ये ज़रूर ले जाएगी टॉप 5 तक, ये इस गन में दम है, ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। और दोनों काफ़ी सिमिलर है, बट वो ज़्यादा तेज चलती है, बट डैमेज इसमें ज़्यादा है। कोई नहीं चलते हैं, अब इसमें से क्या मिला गन, तो इसमें से भी ज़्यादा बढ़िया नहीं निकली है, बिजन ही ले रखी है अभी। और गन ढूंढते हैं शॉर्ट रेंज गन, कोई बढ़िया सी। ओके यहाँ पे हमें मिल चुकी है Mac 7, Mac 7 कुछ हद तक चला देगी गेम को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया के तरीके से, और शायद अब थोड़ा हम टॉप 5 तक पहुँच जाए। और फिलहाल अभी टॉप 30 के अंदर तो आ ही चुके हैं, बस बस 25 नहीं पता 25 नहीं 24 और
और फिर हम पहुंच जाएंगे टॉप फाइव के अंदर। क्या हम जा पाएंगे टॉप फाइव में यार, देखने वाली बात है। तेज़ हो गई है स्पीड भाई, नदी को देखने वाली बात है कि हम कितनी देर में पार करते हैं। वैसे तो बहुत ही धीरे भागते हैं और हम नॉर्मल स्पीड में नदी में भाग रहे हैं भाई, वैसे धीरे होती है स्पीड। हमने इतनी बड़ी नदी यार जस्ट थोड़े से सेकंड में पार कर दी, काफ़ी बड़ी थी वैसे तो ये। हाँ चलते हैं अभी इस चट्टान पे, और यहाँ पे कोई बंदा अभी तक नहीं दिखा मुझे, लास्ट मैंने वहीं पे बंदे देखे थे, क्या पता यहाँ हो। बाकी पहले यहाँ पे भी अच्छे से लूट लेते हैं। ओके यहाँ गन तो नहीं मिली इस साइड पे, अभी हमने ऊपर लूटा नहीं। चलो कोई नहीं, वहाँ पे बैकपैक का साइन आ रहा है, इस वजह से वहीं चलते हैं पहले। बैकपैक का आ रहा है किसका, सॉरी स्कोप का, बैकपैक बोल रहा हूँ मैं स्कोप को। चलो अब लूटते हैं ऊपर जाके गन्स वगैरह जो भी हुआ अच्छा सा। बाकी मैक 7 और M14 का कॉम्बो बड़ा अच्छा है, काफ़ी हद तक सही साबित होगा। और अभी भी हम टॉप 30 के अंदर ही है। चलते हैं जल्दी से MP5, नहीं यार MP5 नहीं लेंगे। ओके बंदा यार, बंदा मिल जाए यार मज़ा आ जाएगा, फ़ाइट लेनी है हमें। पहली बार पहले तो मैं फ़ाइट से बच के आया था, बट सोलो वर्सेस डुओ में खेलना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, स्क्वाड होती तो एक अलग बात है, बट फिर भी जब दो दो बंदे आपको एक इधर से और एक इधर से साइड से मतलब फायरिंग करे तो मुश्किल हो जाता है काफ़ी खेलना, बट फिर भी स्क्वाड से तो काफ़ी आसान है। मार के देखते हैं। अरे ये वाली गाड़ी मैंने कहीं जगह देखी है, तुम मुझे बताओ कमेंट में क्या है गाड़ी का सीन, काफ़ी तेज़ चलती है मैंने सुना है ये गाड़ी, जो भी पोस्टर लग रहा था वो। और आ गई फुटस्टेप, आ गई एक या दो, अब ये देखना है। बाकी फुटस्टेप्स जो हैं वो तो आ ही रहे हैं भाई, मैं लूट रहा हूँ एक मिनट। ये रहा ओके बॉट गोली भी टीम भाई बहुत हो चुकी है, मतलब ये सिंगल बंदा था, इसके साथ कोई है नहीं, तो ये अच्छी बात है। डुओ मेरे पर्सपेक्टिव पे आ गया होगा, हाँ वो आया होगा, मैंने देखा नहीं। चलो बैट मिल गया भाई, बैट जो है ना थोड़ी सी मोटिवेशन देता है कि हम बंदों को बल्ले से मारेंगे बल्ला। चलो कोई नहीं, अब आ चुके हैं टॉप 20 में आ चुके हैं, और अब फाइट होने वाली है तगड़ी थोड़ी सी, क्योंकि मैप हो चुका है काफ़ी छोटा एंड अब बंदे श्रिंक होना, मतलब जोन श्रिंक होगा तो बंदे भी पास पास आएंगे थोड़ा सा। तो अब फ़िलहाल आलोक भी चला लिया मैंने यार, मैं पता नहीं क्यों आलोक यूज़ कर रहा हूँ, और शायद आस पास बंदा भी है, मेरे को थोड़ी बहुत आवाज़ आई, पर हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो कोई वो नहीं आई है फुटस्टेप्स, बाकी आ सकते हैं बंदे। अब रिस्क धीरे धीरे बढ़ रहा है, चलिए चलिए बस अभी लूट में फार्मर्स को ले ली भाई, अच्छी खासी मैक 7 है तो भाई जोन सच में काफ़ी छोटा हो चुका है, और बस अब फाइट चालू होने ही वाली है समझ लो, क्योंकि अब बस बंदे पास आ रहे हैं, किसी भी वक्त फायरिंग हो सकती है। जल्दी से कहीं अच्छा सा कवर ढूंढता हूँ। चलो चलो, और गेम का थोड़ा सा हालात थोड़े से बिगड़ नहीं, अभी तो हमारे दो ही किल हुए हैं और 15 अलाइव हैं। कोई नहीं तो भाई अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हमको बस 10 बंदों तक अलाइव रहना है, चाहे फाइट ले या ना ले, बस अलाइव रहने की बात थी, कोई किल की बात नहीं थी। टॉप 5 तक अलाइव, वो भी सोलो वर्सेस डुओ में, तो फिलहाल अभी आसपास कोई बंदा नहीं है, काफ़ी अच्छे से हमारा ये कट रहा है सफ़र, और स्टिल 15 इज़ अ लाइफ। अब दो दो की टीम है ना, मतलब 60 टीम आ गए
आ गए लो बोला ही था, चलो फाइट करते हैं पहले बाद में बोलेंगे। वही कहाँ कहाँ से आ रहे, एक इधर से आया ख़त्म हेडशॉट, एक गया दूसरा अब आएगा, दूसरा किधर से आया, दूसरा भी आ गया ख़त्म ठीक भाई बहुत। चलो बस शुरू करा, बहुत ही मज़ा आया। चलो बैकपैक मिला है लेवल 6 का, लूटेंगे या फिर पहले मेडिकेट लगाते हैं फिर लूटते हैं आके। उधर जाके चलो लूटते हैं पहले, इसमें है कुछ ग्लूअर वगैरह है, इसमें थोड़ी बहुत एमओ की भी जरूरत पड़ सकती है, तो फिलहाल सामने वाली लूट भी लूटेंगे एक बार। यहाँ क्या भाई, अब मुझे बहुत ज़्यादा समझ लेना पड़ेगा क्योंकि किसी भी वक्त बंदे और भी ज़्यादा आ सकते हैं। चलते हैं, इस साइड हैं बंदे यार, दिख ही नहीं रहे। चलते हैं आगे और बाकी अब सिर्फ और सिर्फ 11 अलाइव और टॉप 10 के अंदर आने वाले हैं। पिछली बार भी गए थे टॉप 10 में तो, बट इस बार कुछ अलग सीन लग रहा है टॉप 10 पे। यहाँ पे किल्स हम 4 कर चुके हैं, पिछली बार शायद पता नहीं कितने करे थे किल्स, मुझे याद नहीं है ढंग से, पट करे तो थे। अब जरा देख लिया कोई बंदा जल्दी से आ जाए, और सिर्फ 9 अलाइव रह चुके हैं। ओके यहाँ पे भी इसमें हमें कुछ ना मिला। अब इससे मैंने चिप तो ले ली, अपग्रेड कर लेते हैं अपनी M14 को, और वेस्ट भी ले ली है तो काफ़ी ढंग से हम खेलने वाले हैं, और 3 लेवल की हो गई है M14 तो काफ़ी अच्छी चलेगी। और भाई ये जंप वाला जो है बढ़िया है, काफ़ी हेल्प करेगा ये फाइट लेने में। I have this. तो फिलहाल अब भी नौ अलाइव ही हैं, पर हेड देर मैं अपने आप को ही वो कर रहा हूँ हेड देर मार्क लगा के, और काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है जोन, और इसी के साथ अभी हैं नौ अलाइव, नौ ने आठ अलाइव बस, और बस 3 बंदों की वो करना है वेट भरने का, फिर हम सफल हो जाएंगे अपने चैलेंज को और चैलेंज में। और फिलहाल अब बंदे आना स्टार्ट होने वाले हैं, बस किसी भी वक्त कोई भी टपक सकता है, जल्दी से अब सही से जगह पकड़ लेते हैं। और ये भाई ये बढ़िया है वैसे शूज़, उड़ने वाले शूज़ भी काफ़ी बढ़िया है, और जोन भी काफ़ी छोटा हो चुका है। और सामने बंदे इधर से भी बंदा यार, पीछे भी बंदे उल्टी साइड ग्लूअर लगा दी। मेरे आसपास कोई बंदा है अभी, फुटस्टेप्स आया मुझे, अरे मैं कहाँ मार रहा हूँ यार। ओ पीछे भी है मेरे बंदा, बिल्कुल जस्ट पीछे बंदा मेरे, और आ गया शायद वो आसपास ही है कहीं, यहाँ बैठ जाता हूँ क्योंकि डुओ में हो सकते हैं बंदे, और टॉप 9 में ही है अभी, तो अभी टॉप 8 में थे क्या पता किसने किसी को रिवाइव दे दिया हो। और भाई ओके हेडशॉट भाई, मैक्स लेवल का हेडशॉट क्या मजा आता है, और मजा और आएंगे बंदे भाई। आ चुके हैं टॉप 6 में, और एक और बंदा और अपना मिशन आज का चैलेंज सब पूरा, हमने ही गिरा दिया एक बंदा। ओके यहाँ पे हम तो मर गए बाकी, और आ गए हम टॉप 4 के अंदर, तो मतलब हमारा कुल मिला के जो चैलेंज था वो कंप्लीट करा हमने, और देखते हैं फिलहाल रैंक कितनी बड़ी है, तो भाई मैं उसे वापस रिप्लाई तो कर ही दूंगा कि, और वीडियो देख के पहचान जाएगा जब भी, और ये कब आएगी वीडियो पता नहीं, जब एडिट होगी तब आ जाएगी। बाकी मज़ा आया काफ़ी चैलेंज को करने में, अगर तुम्हें वीडियो देखने में पसंद आई और काफ़ी अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइज।